मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालु हड्डी जमाने वाली ठंड में भी गंगा स्नान करने आ रहे हैं और पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खरमास खत्म होते ही गंगा में स्नान करके दान दक्षिणा करने से सभी काम बन जाते हैं। इसलिए लोग इतने कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां आप घने कोहरे के बीच लोगों की अटूट आस्था का नजारा साफ देख सकते हैं। गंगा स्नान करने का आज महत्व है कि हम लोग को बहुत पुण्य मिलता है, हमारे सारे पितर तर जाते हैं और खाने के बाद हम लोग तिल का दान, ये नहाने के बाद तिल और चूरा गुड़ तिलकुट का दान करते हैं। इसका बहुत महत्व है हम लोग के लिए। क्या विष्णु भगवान के नाम पर दान किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है, कुंभ स्नान लोग करता है। कितने लोग आप जो कुंभ लगा हरिद्वार जाते हैं गंगा नहाने के लिए। पुरानी बहुत बड़ी परंपरा से चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय जो गंगा स्नान होता है उसका बहुत ही महत्व है। गंगा स्नान आया है कि मन की शांति के लिए, कि अब मकर संक्रांति लोग कहते हैं तो इसलिए हम भी आए हैं कि जो भी, और ये नहीं है कि स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, इसके लिए भी ना हम नहीं आए हैं जी। नहीं नहीं, ऐसा हमारा हिंदू धर्म का है तो नहाने के लिए आए हैं। तो काफ़ी ठंड है, इस ठंड में नहाना ठीक रहेगा? तो क्या करें, हमको तो मतलब उस टाइम से पेशेंट भी है कि ठंडा सबको बच के भी रहना है, लेकिन नहाना है तो नहाना है, बस यही बात है सर। गंगा स्नान करने के बाद लोग मंदिर में पूजा भी करते नजर आए। पटना ही नहीं, बिहार के बाकी शहरों में भी मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की धूम रही। बेगूसराय में भी लोग जमकर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। रघुगिरी नाम के पुजारी बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। संक्रांत पर्व है, गंगा नहाने का महत्व है, दान प्रदान करने का महत्व है। बहुत बहुत दूर से स्नान करने के लिए आते हैं, दरभंगा से आते हैं, जयनगर से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान के बाद दान प्रदान करते हैं। दान प्रदान करने से सुख शांति मिलता है, धन पुत्र में आनंद मिलता है। मकर संक्रांति के दिन लोगों की भीड़ तो गंगा घाटों पर दिखी, लेकिन सरकारी इंतजामों खासकर कोरोना काल को लेकर बरते जाने वाले एहतियात नहीं दिखे। कोरोना काल में भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है या घाटों पर कैसे इंतजाम होने चाहिए, ये काम प्रशासन को करने चाहिए। पटना से नदीम आलम और बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।